हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कवर करेंगे 9.3 पॉपुलर ट्रेडिशन। पॉपुलर ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? जो वहां की लोक परंपराएं होती थी ना, लोकल चीजें जो हुआ करती थी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा था कि स्कल्पचर्स क्या होते हैं, कोई भी जो मूर्तियां होती हैं, कोई भी जो आपकी पिक्चर्स बनाई जाती हैं स्टोन से, तो उसको हम स्कल्पचर्स बोलते हैं। तो स्कल्पचर्स जैसे सांची के बारे में हमने बात की थी कि सांची पे और ये अमरावती, ये दोनों ऐसे स्तूपाज हैं जहाँ पे हमें स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिले हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल लेडीज के, ब्यूटीफुल वुमेन के देखने को मिले हैं। मतलब बाकी के जो स्कल्पचर्स हैं वो तो हमें चलो समझ में आते हैं। देखो जैसे यहाँ पे चक्रा दे रखा है, यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे स्टोरीज दे रखी हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ एनिमल्स बने हैं, लॉयन बना है, अशोक स्तंभ वाला। तो यहाँ पे हमें ये सब चीजें तो देखने को मिलती हैं, लेकिन इधर कुछ जो ब्यूटीफुल विमेन है उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि सांची का जो गेटवे है जहां से एंट्री होती है, तो उसकी गेटवे के एज पर, किनारे पर हमें कुछ इस तरीके की एक स्कल्पचर देखने को मिला है, जहां पे एक लेडी जो है वो एक पेड़ को पकड़ के स्विंग कर रही है, झूल रही है, ठीक है ना। तो इस पिक्चर को देखने के बाद ना, जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसके लिए मतलब डिनोट करती है, जो मूर्ति है ये किस लिए डिनोट करती है, क्यों इसका स्कल्पचर बनाया गया है, किस चीज को ये इंडिकेट करती है। तो ऐसे एग्जामिन नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई इसका जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा त्याग और तपस्या से है ना, ऐसे, क्योंकि हमें देखने को मिल नहीं रहा है यहाँ पे कोई तपस्या या त्याग हो रहा है। तो इसीलिए हमारे जो स्कॉलर्स थे वो पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर जब उन्होंने ट्रेडिशंस वगैरह को और गहराई से जाना, हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे राइटर्स ने, तब उन्होंने ये पाया कि भाई ये संस्कृत में डिस्क्राइब किया गया शाल भंजिका का स्कल्पचर है। शाल भंजिका, यहाँ पे इसको बुद्धिज्म धर्म में शाल भंजिका बोलेंगे, उसकी मूर्ति है ये। और माना जाता है कि जो ये लेडी है ना, इनके छूने से क्या होता है, जो भी ट्रीज होते हैं उन पे क्या है, फूल फल खिलने लग जाते हैं, फ्रूट्स एंड आपके जो फ्लावर्स हैं वो ब्लॉसम्स होने लग जाते हैं। तो ये उसका इंडिकेशन है, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई जो पीस, जो शांति का इंडिकेशन जो है वो इस मूर्ति से मिलता है, ठीक है। तो इनके टच होते ही ऐसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मतलब, ठीक है। तो ये इस चीज का एक बहुत ही पवित्र, जिसको हम सिंबल बोल सकते हैं, वो बुद्धिज्म धर्म में दिखाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे शाल भंजिका के बारे में हमने देख लिया। और अगर हम आगे देखें तो जैसे बुद्धिज्म धर्म में जो लोग आ रहे थे, देखो क्या था कि जो जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कुछ ऐसी कुरीतियां फैल गई थी कि लोग जो है अपना धर्म स्विच कर रहे थे और बुद्धिज्म धर्म में, जैन धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। तो जो भी बुद्धिज्म धर्म में आ रहे थे ना लोग, जो नॉन बुद्धिस्ट थे, तो अपने साथ वो जो ट्रेडिशन लेकर आ रहे थे वो बुद्धिज्म धर्म में देखने को मिला है, ठीक है। तो जैसे कि ये एनिमल्स वगैरह है, एनिमल्स की पूजा जो है हिंदू धर्म में की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा जो है हिंदू धर्म में की जाती है। तो जैसे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कौन से एनिमल्स है, जैसे एलिफेंट है, हॉर्स है, मंकीज है, इनको दिखाया गया है, कैटल्स है, और कुछ जटाकास। जटाकास मतलब जो जातक कथाएं होती हैं, ठीक है। तो वहां से भी कुछ ऐसे एनिमल्स की स्टोरीज ली गई हैं, और यहाँ पे सांची के जो स्तूपा है वहां पे डिपिक्ट की गई है, उसको स्कल्पचर्स के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एलिफेंट एट सांची है, सांची के जो स्तूपा है वहां पे ये बने हुए हैं सारे स्कल्पचर्स, ये वाले भी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि एलिफेंट जो होता है वो किसका सिंबल होता है, वो स्ट्रेंथ एंड विजडम का सिंबल होता है। तो हर एक जो एनिमल है वो किसी न किसी सिंबल को इंडिकेट करता था। और यहाँ पे जो एक और मोटिव दे रखा है, जहाँ पे देखने को मिलता है कि एक विमेन है, उसके सराउंडिंग में लोटस है, मतलब एलिफेंट है। और यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो ये आप देख सकते हो, जैसे हम दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, तो वहां पे लक्ष्मी जी बीच में बैठी रहती हैं, और इनके दोनों साइड में जो एलिफेंट है वो वाटर को स्प्रिंकल कर रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे इनका अभिषेक कर रहे हैं, है ना। इनका जो है एक रेस्पेक्ट, मतलब जो पिक्चर है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऐसी पिक्चर भी हमें यहाँ पे बुद्धिस्ट धर्म में देखने को मिली है, और इसको दिखाया गया है अभिषेक का। अभिषेक मतलब वही जो आपका जल से जो स्प्रिंकल कर रहे हैं ना एलिफेंट, उसी को बोला गया है। तो कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने तो बोला है कि भाई ये जो है ये बुद्धिस्ट की जो मदर थी ना माया, उनको डिनोट होता है, उनको बताया गया है कि ये जो पिक्चर है ये इनकी मदर की पिक्चर है, माया की पिक्चर है।
और कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि ये पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी की पिक्चर है, क्योंकि जो गजलक्ष्मी होती हैं वो क्या है, मतलब एक तरीके से आपके जो सौभाग्य, जिसको बोल सकते हैं हम गुड फॉर्चून, उसके लिए इंडिकेट की जाती हैं गजलक्ष्मी माता। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हाथियों के साथ उनका नाम जोड़ा गया है और इसीलिए इनको गजलक्ष्मी बोला गया। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो हैं इनको बोलते हैं कि भाई ये दोनों का ही सिंबल है, माया का भी है और गजलक्ष्मी का भी है। तो ये जो स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है ये फिगर करता है कि ये माया एंड गजलक्ष्मी दोनों के। तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग विचार रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो कुछ हमें यहाँ पे जो स्नेक्स है ना, स्नेक्स की भी पिक्चर्स देखने को मिली है। जैसे यहाँ पे स्नेक बना हुआ है, जैसे हिंदू धर्म में जो गॉड शिवा होते हैं तो उनकी गर्दन में स्नेक लिपटा होता है, या हमारे यहाँ पे स्नेक की पूजा भी की जाती है नाग पंचमी में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सेवरल जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं, वहां पर सरपेंट्स बने हुए मिले हैं, यानी जो सांप है वो देखने को मिले हैं। तो जैसे यहाँ पे एक मॉडर्न हिस्टोरियन दे रखे हैं जिनका नाम क्या है, जेम्स फर्ग्यूसन। ठीक है, तो जेम्स फर्ग्यूसन जो है, तो इन्होंने क्या है, जो सांची है, सांची पे इन्होंने जो सरपेंट्स वर्शिप वगैरह के जो पिक्चर्स देखे, जो स्कल्पचर्स देखे, तो वो समझ नहीं पाए, उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बुद्धिस्ट धर्म से इतने फैमिलियर नहीं थे। क्योंकि उस समय पे क्या है ना, जो बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ हुआ करते थे तो उनका ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ था और पता भी नहीं था इतना ज्यादा। तो इसीलिए क्या है, इतना ज्यादा वो उसको डिफाइंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाद में क्या है, जो मूर्तियां वगैरह उनके बारे में पढ़ने शुरू करते हैं, उसके बारे में कंक्लूजन निकालना शुरू करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि भाई इसका मतलब जो बुद्धिस्ट धर्म में है वो अलग अलग धर्म को भी इसमें एक तरीके से सबको जगह दी गई है, सबके जो धर्म कन्वर्ट होके जो लोग आए थे उन्होंने भी अपनी जो धारणाएं हैं वो इस धर्म में छोड़ के वो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो किस तरीके से बुद्धिस्ट धर्म में एक नया रिलीजन, रिलीजन का मतलब है कि जैसे जो ट्रेडिशन है ना उसके अंदर, रिलीजियस ट्रेडिशन का मतलब है कि बुद्धिस्ट धर्म में ही एक नया ट्रेडिशन जन्म लेता है जिसको हम बोलेंगे महायान बुद्धिज्म। ठीक है, तो जैसे गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो 1st सेंचुरी CE के आसपास जो है हमें कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि बुद्धिस्ट धर्म के जो कुछ आइडियाज है ना वो चेंज हो रहे हैं। उसमें जो जो नए आइडियाज और नई प्रैक्टिसेस जो जन्म ले रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, उस ट्रेडिशन को थोड़ा चेंज कर रही हैं, तो उसमें कुछ नई चीजें जो है वो ऐड होने लग जाती हैं। तो जैसे कि क्या देखेंगे यहाँ पे हम, कि जो बुद्धिस्ट धर्म है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हीन यान, जो बुद्धिस्ट जो गौतम बुद्ध थे ना उनके समय पे भी ये चल रहा था, और यहाँ पे क्या है ना, गौतम बुद्धा को एक पर्सन की तरह ही देखा गया है, एक एक व्यक्ति की तरह ही देखा गया है, इनको भगवान का दर्जा नहीं दिया गया है हीनयान में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, महायान के अंदर जो है गौतम बुद्धा को एक भगवान का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है, एक गॉड की उपाधि दे दी जाती है उनको। क्योंकि जब तक गौतम बुद्धा थे तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल जो नॉर्मल पर्सन रहते हैं ना वैसे ही वो रहते थे, और वहां पे वो निब्बाना की बात करते थे। निब्बाना का मतलब है कि आपको एक तरीके से मुक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो ऐसे करके वो लोगों को जागरूक करते थे। वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह यहाँ पे बिहेव करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जो है लोगों की थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज होती है, और यहाँ पे धीरे धीरे जो है लोग जो है उनको एक मुक्तिदाता समझने लग जाते हैं। तो उनको ये विश्वास हो जाते हैं जो गौतम बुद्धा थे वही हमको मुक्ति दिलवा सकते हैं, और उन्हीं मुक्ति दिलवाने के नाम पे ही एक वर्ड उत्पन्न होता है जिसको हम बोलेंगे बोधिसत्वास। ठीक है, तो बोधिसत्वास वो लोग होते थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति ऑलरेडी हो चुकी है और ये दूसरे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और मुक्ति देने का मार्ग जो है वो उनको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज जब उत्पन्न हो जाती है ना तब यहाँ पे फिर स्टार्ट होता है महायान ट्रेडिशन। ओके, तो महायान ट्रेडिशन में बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हीन यान में उनको नॉर्मल ह्यूमन बींग समझा जा रहा है, महायान में उनको एक गॉड का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ पे जो हीनयान की जो मूर्तियां मिलेंगी वो आपको नॉर्मल बुद्धिस्ट की मिलेंगी, लेकिन महायान में जो मूर्तियां मिलेंगी उनको आप बहुत ही बड़ी लार्ज साइज में आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो मूर्ति दे रखी है और इसके पीछे जो है आप एक शाइनिंग वाले जो इस तरीके से राउंड जो एक सर्कल हुआ करते थे जो गॉड के पीछे जो लाइट होती थी उसको भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी, ये जो मूर्ति है ये मथुरा की। ओके, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि कुछ जो स्कल्पचर्स है हमें बोधिसत्तास के मिले हैं बुद्धास के साथ। तो बोधिसत्तास जो होते थे वो डीपली कंपैशनेट होते थे, बहुत ज्यादा करुणामयी होते थे।
हर व्यक्ति को ये ज्ञान देने की कोशिश करते थे, उसको समझाते थे कि भाई तुमको मुक्ति किस मार्ग से मिल सकती है, जितने भी बुरी चीजें हैं उनको तुम्हें त्यागना पड़ेगा। तो ये काम करते थे, एक तरीके से काउंसलर टाइप का ये काम करते थे बोधिसत्ता। और ये वो लोग होते थे जिनको ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग बन के दूसरे लोगों का भी भला कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नई थिंकिंग जो जन्म लेती है बुद्धिस्ट धर्म के अंदर, उसी को महायान बोला गया है, यानी कि ग्रेट व्हीकल। यानी ग्रेट व्हीकल मतलब इनको ज्यादा उपाधि, मतलब इनको ज्यादा अच्छी उपाधि दी गई है, और लोग जो है इनके ग्रुप में ज्यादा ज्वाइन भी हो जाते हैं। और जो ओल्ड ट्रेडिशन चला आ रहा था, जो पुराने समय का जो ट्रेडिशन था, उसको लेसर व्हीकल बोला गया है, जो ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट, जो गौतम बुद्धा है, उनको नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह समझा गया था, ठीक है। और बाद में, और आज की डेट में अगर हम देखें तो हम बुद्धा की पूजा करते हैं, गौतम बुद्धा के जो धर्म में है उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो आज हम देख सकते हैं कि भाई महायान जो है वही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हीनयान और थेरवाद। तो यहाँ पे जो हीनयान थे उनको और ओल्डर ट्रेडिशन में थेरवाद बोला जाता था, ठीक है। तो इनके जो अनुयायी होते थे, इनके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, तो बहुत पुराने समय में इनको थेरवाद बोला जाता था। ये क्या है, इसका मतलब होता था कि जितने भी इनके जो टीचर्स रहे हैं, ठीक है, जो आपको रास्ता बताते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए, आपका करेक्ट पाथ क्या है, तो उनको थेर बोला जाता था, ओके। तो वहीं से वर्ड निकलता है थेरवाद। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि थेरवाद जो है ये किसका नाम है, तो आप बताना हीनयान ट्रेडिशन का नाम है, ओके। यहाँ पे मैंने स्टैचू भी बता दिया है आपको। और आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक सोर्स है, इसको भी कवर कर लेते हैं सोर्स को भी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेंटिंग फ्रॉम द पास्ट, अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि जो अतीत है उससे जो चीजें हमें मिली हैं, जो पिक्चर्स हमें मिली हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जैसे कि देखो, हमें स्कल्पचर्स तो मिले हैं। स्कल्पचर्स मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें होती हैं जो पत्थर के द्वारा, मतलब पत्थर की जो पिक्चर्स होती हैं, जो कलाकृतियां होती हैं, उनको बहुत समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। उससे हमें बहुत सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाती हैं, हमें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चल पाती हैं, फेड नहीं होती हैं, खराब नहीं होती हैं, मौसम से भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। तो पत्थर का जो वर्क होता है बहुत सॉलिड होता है, तो इसीलिए हमारे हिस्टोरियंस को काफी इजी हो गया था उसको समझना, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी मिल जाती थी। लेकिन अगर हम आगे देखें तो कुछ ऐसी विजुअल हमें पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स, ठीक है। तो अजंता और एलोरा, ये दो प्लेसेस हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो वहां पे हमें अजंता के अंदर कुछ ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिली हैं जो बहुत ही रियलिस्टिक हैं, ओके। और यहाँ पे कुछ स्टोरीज हैं, जातक कथाएं जो हैं वो उनके माध्यम से पिक्चराइज करके हमें समझाया गया है कि कैसे जो राज दरबार की जो मतलब स्थिति होती थी, राज दरबार की जो जीवन होता था वो कैसे होता था, वहाँ की जो यात्राएं होती थी, लोग कैसे करते थे, वहाँ काम कैसे करते थे, वहाँ जेंट्स एंड लेडीज जो है वो किस तरीके से अपने त्योहारों को मनाते थे, कैसे उनके रिचुअल्स हुआ करते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं हमें पेंटिंग्स के माध्यम से देखने को मिलती हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक पेंटिंग दे रखी है, ये अजंता की गुफा से दी गई है स्टूडेंट। तो ये भी आज की डेट में आपको बिल्कुल प्रिजर्व, बहुत ही सेफ मिल जाएंगी, क्योंकि ये केव्स के अंदर बनी हुई है, ठीक है, गुफाओं के अंदर बनी हुई है। तो इसीलिए वहां पे जो है जो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, हाँ हल्का फुल्का हुआ है क्योंकि बहुत समय हो गया है, लेकिन आप अभी भी वहां पे देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है अपनी पेंटिंग्स के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो तकनीक यूज की गई है, इसे जो ये पिक्चर्स हैं ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल रियलिस्टिक है, नेचुरलिस्टिक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सोर्स था, मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका आगे का पार्ट, द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये क्या करना है, पूरा अच्छे से अपनी बुक को ओपन करके लाइन टू लाइन जो है रीडिंग करनी है एक बार, और मेरी वीडियोस को जरूर देखना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।